यहाँ जहाँ पर तीव्र डिबेट में शामिल नहीं होगी बीजेपी, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कुछ क्षण पहले अपनी डिबेट में, कांग्रेस के साथ अब किसी भी तरह का संवाद नहीं होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसंडी ने यह निर्देश जारी किया है, कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं को कर रही है यहाँ पर परेशान कहें या फिर ये कहें कि उन्हें सही से संवाद नहीं किया जा रहा है उनके साथ, जिसकी वजह से विक्रम उसंडी ने यह बयान निर्देश दिया है। अपमानित किया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के जो प्रवक्ता आ रहे हैं उन्हें अपमानित करने और झूठे, जो ये कहा जा सकता है कि झूठे बयानबाजी या फिर किसी भी तरह का संवाद अब उनके साथ नहीं होगा। किसी भी डिबेट में कांग्रेस के साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो शामिल नहीं होंगे। अधिक जानकारी के साथ आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जिस तरीके से देखा जाए अभी तक कांग्रेस ने ये कहा रखा था, रोक लगा रखी थी कि प्रवक्ता जो कांग्रेस के हैं वो नहीं जाएंगे, लेकिन अब कांग्रेस के प्रवक्ता आने लग गए, लेकिन अब बीजेपी ने लगा दी इस पर रोक। इसकी वजह क्या मानी जा रही है, ऐसा कौन सा घटनाक्रम है जिसकी वजह से विक्रम उसंडी ने ये फैसला लिया? देखिए, लगभग कांग्रेस के और बीजेपी को अडॉप्ट करती नजर आती है। दरअसल जिस तरीके से छत्तीसगढ़ विधानसभा में पिछले दो दिनों पहले जिस तरीके से माहौल बना, मुद्दा था गांधी के व्यक्तित्व पर उस पर चर्चा करने का, लेकिन इस बहाने गोडसे पर कांग्रेस ने हमला किया, वीर सावरकर पर कांग्रेस ने हमला किया, और इन दोनों ही मुद्दों पर कहीं ना कहीं बीजेपी जो थी वो बैकफुट पे नजर आई है। और शायद यही एक बड़ी वजह बीजेपी के भीतर मानी जा रही है। बीजेपी ने मीटिंग की है, बीजेपी के तमाम अलग नेताओं ने इस पर सहमति बनाई है कि जिस तरीके के हालात छत्तीसगढ़ में बन रहे हैं कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो डिबेट में बेहद आक्रामक अंदाज में बीजेपी के तमाम एलिगेशन का जवाब दे रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। और इसे ही आधार बनाकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मराज कौशिक ने ये निर्देश विक्रम उसंडी ने ये निर्देश दिया है कि अब कोई भी बीजेपी का जो प्रवक्ता है वो किसी भी टीवी डिबेट का हिस्सा नहीं होगा यदि उस डिबेट पे कांग्रेस का कोई प्रवक्ता या कोई नेता शामिल होता है, लेकिन यदि इसके परे कोई डिबेट होगा तो बीजेपी के लोग शामिल जरूर होंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कड़ी ये भी है कि बीजेपी किस तरीके से अपना पक्ष रखेगी। बीजेपी डिबेट में नहीं बैठेगी तो बीजेपी अपनी बातों को या कांग्रेस के तमाम एलिगेशन को किस तरीके से काउंटर करेगी, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि बीजेपी ने ये निर्देश तो जरूर जारी किया है कि कोई प्रवक्ता बैठेगा नहीं डिबेट में, इसकी मियाद क्या होगी, कब तक ये रूल्स और रेगुलेशन जो है, जो दिशा निर्देश है, ये इम्पैक्ट रहेगा बीजेपी के भीतर, प्रवक्ताओं के भीतर, इसका भी कोई स्पष्ट जानकारी जो है वो बीजेपी की तरफ से निकलकर सामने नहीं आई। चलिए, तमाम जानकारी का बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष।